आज का दिन तो बहुत ही बेकार शुरू हुआ है दोस्तों। मजा किरकिरा कर दिया है बारिश ने। हाँ, मौसम ने मतलब दही दही का क्या कहते हैं इसको, रायता रायता फेर दिया है, रायता फैला दिया है। वो डायलॉग है ना जो, वही हो गया है। तो हमारे आधी इटनरी तो अब संकट में पड़ गई है। पर फिर भी ऑलमोस्ट दोपहर के एक बज चुका है और हम आए हैं अभी ब्रसल से सीधा ब्रुक्स। तो अब ब्रुक्स घूमेंगे यहाँ और दिखाते आपको कैसा है ब्रुक्स। सुना तो है काफ़ी अच्छा है, छोटा सा टाउन है, प्यारा सा फेरी टेल काइंड ऑफ। हाँ, बट ठंडा भी हो रहा है और बारिश का मौसम है, क्लाउडी, तो कितनी देर बारिश नहीं होती है उस पर भी डिपेंड करेगा। और अभी हम खड़े हैं जस्ट ब्रुक्स ट्रेन स्टेशन के बाहर। तो ये है पीछे हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन और चलते हैं अब यहाँ से सिटी की तरफ, मेन सिटी की तरफ, और देखते हैं फिर क्या क्या दिखता है। और ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टॉप ये है पोर्ट टावर, यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आ रही है बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर एकदम। देखिए कैनल के साइड में बनी हुई है जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जस्ट फेरी टेल काइंड ऑफ वाइब्स आ रही है यहाँ पे। जी हाँ, और यहाँ पे हमने खिंचा ली है काफी सारी पिक्चर्स, पीछे देखिए दो ये। यहाँ पे पिक्चर्स खिंचाना बनता है, बिल्कुल फेरी टेल काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन ठंड भी लग रही है, लेकिन पिक्चर्स मैंने जैकेट निकाल के। हाँ, तो हर फोटो खींचने में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लग रहे हैं क्योंकि पहले अनपैक कर रहे हैं खुद को, फिर से पैक कर रहे हैं और यहाँ से वॉक करेंगे। आगे भी काफ़ी अच्छा वॉकिंग स्ट्रीट है ये वाला। और ये देखिए ये यहाँ से हम जाएंगे वॉक करके, बहुत ही प्यारा सा ये रास्ता है और गार्डन के साथ होते हुए चलते हैं टाउन की तरफ। और आपको वीडियो में देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ पे अभी तक ऑटम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और हरे भरे कलरफुल पत्ते नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। तो गार्डन में आए, देखो कुछ कुछ पेड़ हो चुके हैं खाली, है ना, पर कुछ कुछ अभी तो बिल्कुल एकदम चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो लेट है थोड़ा यहाँ पे ऑटम, अपने वहाँ तो विंटर आ चुकी है, बर्फ़ पड़ गई है सुना है। और ये देखिए यहाँ पे मैदान में लगा है एक बीच में क्रिसमस ट्री और इसमें लगी हैं लाइटें भी, बट अभी लाइटें ऑन नहीं है, ऑब्वियसली शाम को ऑन होंगी। और ये देखो यहाँ की स्ट्रीट्स काफ़ी प्यारे प्यारे पुराने पुराने घर हैं, अलग अलग कलर के और टेक्सचर के भी हैं, तो स्टॉकहोम से तो काफ़ी अलग है यहाँ का आर्किटेक्चर। ओहो, मज़ा आ गया देख के ये व्यू, तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। आओ दिखाते हैं आपको भी हमारे पीछे, देखिए अभी दिखाते हैं एंगल, आओ व्यू इधर आओ। आज मेरी सब ठंड वगैरह सब भाग चुकी है। और ये है कैनल और कैनल के पीछे ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। आई होप अब कितना दिख पा रहा है, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है भरमार लोगों की, टूरिस्ट की, और सभी लगे हुए फोटोग्राफी का आनंद लेने में, दो हंसों के जोड़ा। यहाँ पे होता है ये कैनल टूर, तो हम भी सोच रहे हैं, देखते हैं, वैसे ठंड बहुत लग रही है तो आई डोंट नो पानी में मज़ा कितना आएगा। तो ये पूरा एक घंटे का आई थिंक टूर होता है और यहाँ पे है बहुत सारे बत्तख और हंस। ओहो बाय गॉड, जबरदस्त व्यू है यार एकदम, यहाँ से अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है इस व्यू को। और ये देखो मैडम जी, वो ठंड लग रही है बेचारी, हालत देखो। और ये आ गया है एकदम जहाँ पे है बग्गी गाड़ी, राइड ले सकते हैं। हाँ, पीछे पुराने टाइम में आ गया ऐसा फील आ रहा है, तो क्या पता यहाँ पे हमें दिख जाए किंग क्वीन भी ऐसे घूमते हुए जाते हुए। और सभी यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, मोस्टली टूरिस्ट। और यहाँ से ओल्ड टाउन की मार्केट अब स्टार्ट होने वाली हैं गलियाँ, तो दिखाते हैं आपको क्या ज़बरदस्त वाइब आ रही है।
कुछ लोग इतने मगन होते हैं ना फोटो वीडियो बनाने में, ये देखो ये है वो ये अरे मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ पीछे सुनी नहीं लड़की फोटो में मगन है पीछे से बग्गी वाला उड़ा देता अभी। और यहाँ पे है बियर टेस्टिंग, तो यहाँ पे आप बेल्जियम बियर टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मिलेगा आपको इस सारे ग्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बियर्स, और ये हैं ऑलमोस्ट 12 डिफरेंट टाइप की बियर्स। तो ये है जगह बियर टेस्टिंग। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ के वेफल और साथ में लिए हैं फ्राइज, तो ब्रसल में सब यही चल रहा है और ब्रग्स में भी। तो ये देखिए अंदर से मैं बिल्कुल सेंटर में, तो चारों तरफ क्वार्टर्स बने हुए हैं, और ये देखिए सारा, तो चारों तरफ इस टाइप के क्वार्टर्स बने हुए हैं और बाहर से तो आपने देख ही लिया है। और अब चलते हैं सामने जो बाहर से हमको दिख रहा था चर्च काइंड ऑफ बना हुआ। और ये देखिए आप यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है इस बिल्डिंग के बाहर, लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये सारे जो टूर गाइड वाले हैं वो यहाँ लेके जा रहे हैं, और ये है यहाँ की ब्रूवरी जहाँ बनती है दारू, और आप टेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी फेमस है। तो हर टूर गाइड यहाँ पे लेके आ रहा सबको, और जो लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अंदर बेल्जियम बियर और विस्की और समथिंग। तो गाइस चलते चलते आ गए हैं अब यहाँ के मार्केट स्क्वायर में, और मेरे पीछे हैं देखिए यहाँ की मार्केट स्क्वायर की बिल्डिंग्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बिल्डिंग जो कि यहाँ के सोवेनियर वगैरह में भी दिखती हैं, तो दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए स्क्वायर मार्केट की ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स जो कि हर सोवेनियर में आपको दिखती हैं, और काफ़ी सज भी गया नीचे क्रिसमस लाइट से। और ये है काफ़ी फेमस शॉप यहाँ पे चॉकलेट की, चॉकलेट्स की चारों तरफ। तो बेल्जियम फेमस है तीन चार चीज़ों के लिए, चॉकलेट बियर, और यहाँ के जो सूट पे लगने वाले लेसेस हैं वो भी बनती हैं, और वेफर्स और जो फ्राइज हैं यहाँ की वो भी बहुत फेमस हैं। तो दो टाइप की फ्राइज होती हैं, एक होती है फ्रेंच फ्राइज जो फ्रेंच एडिशन है, और जो एक्चुअल फ्राइज स्टार्ट हुई थी बनाना वो बेल्जियम से ही स्टार्ट हुआ था। वाह ये देखिए चॉकलेट से बना हुआ सामान है सारा, और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चॉकलेट जो कि हैं लिक्वर वाली, विस्की टकीला रम, तो अलग अलग फ्लेवर हैं मोजिटो। तो दारू के शौकीन लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए चॉकलेट से बनाया हुआ तो चॉकलेट के शौकीन लोग यहाँ पे आके अपनी मनपसंद डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की चॉकलेट ले सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी पतली सी टनल वाली गली, काफ़ी पतली गली है ये, इसमें सिर्फ दो लोग ही एक टाइम पे पास कर सकते हैं, बट इससे पतली गली हमने स्टॉकों में देखी है, स्टॉकों में है बहुत ही पतली स्ट्रीट है, उसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन क्रॉस कर सकता है। ये है कि दोनों तरफ घर बने हुए हैं और फैशन स्ट्रीट है ये। तो दोस्तों ये गली जो कि नाम है स्प्रिट ऑफ ब्रू, जहाँ से हम अभी आए पतली गली दिखाई और यहाँ पर एंड होती है, और ये एक बहुत ही फेमस गाइड था उसके नाम पे है, और इसके बगल में ही ये वाली बिल्डिंग है ऊपर, ये आगे से इसका फेस दिखाया हुआ है, ये यहाँ का रेड लाइट एरिया था बहुत पहले टाइम का। और अब चलते हैं वापस दूसरी साइड, और ये है इस साइड से सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा। तो ये देखिए इस साइड से हमने कर ली एंट्री सेंट जॉन हॉस्पिटल की, इसके अंदर म्यूज़ियम लगती है अब और काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी भी हॉस्पिटल वाला काम होता हो। तो ये देखिए
अंदर से, और ये व्यू जबरदस्त व्यू है। तो आर्किटेक्चर तो एकदम अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक बहुत सारे क्यारियाँ टाइप की बनी है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, और जो प्लांट था वो बेसिकली जैसे अपने इंडिया में कहते हैं ना आयुर्वेदिक, वैसे ही है यहाँ पे भी। तो ये हर्ब्स हैं एक तरह के, पूरे बेल्जियम की खास बात है। ब्रक्स में भी और ब्रसल में भी हमने देखा, देखो ये है वैफल वाला, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ तक, और इधर भी एक दूसरा, इसमें कम लाइन है, लेकिन यहाँ पे गई है मैडम हॉट चॉकलेट लेने, तो देखते हैं कैसी होती है हॉट चॉकलेट रेंज। और ये है यहाँ का सिटी हॉल ब्रक्स, ब्रक्स सिटी हॉल। अभी तो ये बंद हो चुका है 5 बजे, और यहाँ पे लगा हुआ है क्रिसमस ट्री, जिसमें अभी लाइट्स नहीं चली हैं, बहुत जल्दी जलेंगी। तो अगर आप क्रिसमस पे आ रहे हैं तो आई थिंक बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छी सज रही हैं सारी सिटीज़। तो गाइस ये था यहाँ का लेडी ऑफ चर्च बसीलिका, और इसको कहते हैं होली ब्लड चर्च। और यहाँ पे अभी पीछे देखा आपने कुछ हो रहा है, आई थिंक काफ़ी सारे जो बनते हैं इनके फादर या पॉप जो भी बनते हैं कुछ कर रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं पता नहीं क्या। हाँ तो ये यहाँ का काफ़ी पुराना 12th सेंचुरी का चर्च था, बसीलिका था।